जय जिनेन्द्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी पर्युषण के लिए बहुत ही टेस्टी गाठिया की सब्जी, जिसे हम बहुत ही कम वक्त में जल्दी से बना सकते हैं। और गाठिया हम बिना बेसन इंस्टेंट बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गाठिया की सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सबसे पहले गाठिया बनाने के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने आधा कप चावल का आटा लिया है और इसमें एक टेबलस्पून गेहूं का आटा ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून नमक, 1/8 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे में सारे मसाले और ऑयल को अच्छे से मसल कर मिक्स कर देना है। अब मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अब थोड़ा और पानी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके मैंने टोटल आधा कप पानी का यूज़ किया है। और ये आटे को हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं रखना है। जैसे हम बेसन का गाठिया बनाते हैं उससे हल्का कड़क रखेंगे। देखिए, इस तरह आटा नरम होना चाहिए। अब हम गाठिया के लिए ये इस तरह मोटी वाली जाली यूज़ करेंगे। अब इसमें आटा डालकर सांचे को बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। तब तक हम एक टोप में 1 कप फ्रेश दही लेंगे और इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करके ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे, जिससे छाछ बन जाएगी। और इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून राई डालकर राई को चटकने देंगे और राई चटक जाने के बाद 1/2 टीस्पून जीरा और 1/8 टीस्पून हींग डाल देंगे। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। देखिए, पानी में इस तरह उबाल आने के बाद जो हमने छाछ बनाई थी वो ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम स्लो करेंगे और चम्मच से इस तरह कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, जिससे छाछ फटेगी नहीं। और इसी तरह हमें चम्मच से कंटिन्यूस चलाते रहना है और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे। अब हमें छाछ को 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, जिससे छाछ में भी एक उबाल आने लगेगा। मैंने यहाँ छाछ में भी नमक ऐड किया था और गाठिया के आटे में भी मैंने नमक ऐड किया था, इसलिए मैंने सब्जी बनाने वक्त नमक ऐड नहीं किया है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप नमक ऐड कर सकते हो। देखिए, इस तरह उबाल आने के बाद उबलती छाछ में हम सांचे से इस तरह घुमाते हुए गाठिया बनाएंगे और गाठिया बनाने वक्त भी बीच बीच में चम्मच से मिक्स करते जाएंगे, जिससे गाठिया बनाने वक्त एक भी लम्स नहीं होंगे। और इस तरह मिक्स कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए उबलने देंगे। देखिए, सब्जी 5 से 7 मिनट उबलने के बाद थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो इसमें हम 1/2 कप पानी और ऐड कर देंगे। अब मिक्स करके 2 से 3 मिनट उबलने देंगे। देखिए, सब्जी बनकर तैयार है और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पर्युषण के लिए गाठिया की सब्जी बनकर तैयार है। ये सब्जी को आप रोटी, पराठा या फिर भाकरी के साथ खाइए और इसे आप चावल के साथ भी खाइए तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी इंस्टेंट गाठिया की सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।